अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालबात, आज हम दरस कुतुब में शामिल तंजो मज़ाह के हिस्से में मौजूद मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग के मज़मून उम पर गुफ्तगू करेंगे। उर्दू अदब में मज़ाह निगारी खासी मकबूल है। इस सिन्फ में मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग को नुमाया हैसियत और मकाम हासिल है। मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग 1883 में दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद बीए की डिग्री हासिल की और फिर हैदराबाद दक्कन में आपने मुलाजमत इख्तियार कर ली। मिर्ज़ा साहब हैदराबाद की अदबी सोहबतों में शिरकत के बायस मिज़ाह निगारी से वाकिफ हुए और यही इनका शोखे कलम मिज़ाह निगारी में जोलानियाँ दिखाने लगा। मिर्ज़ा साहब का पहला मज़मून असमत बेग के फर्जी नाम से शाया होने वाले रिसाले अफादा में छपा। इसका उन्वान हम और हमारा इम्तिहान है। उर्दू अदब में मिज़ाह निगारी खासी मकबूल सिन्फ है। मिर्ज़ा साहब अपने मज़ामीन में तंज के नश्तर नहीं चुभोते, बल्कि मिज़ाह में तंज के छींटे मारते हुए नज़र आते हैं। अदब में मिज़ाह निगारी मुश्किल सिन्फ तसव्वुर की जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात मिज़ाह निगार किसी मौजू या शख्सियत पर तंज करते हुए इसकी खामियां इस तरह से बयान करते हैं कि वो मायूब नज़र आती हैं। मिर्ज़ा साहब अपनी तहरीर में शोखी के उनसर को नुमाया हैसियत देते हैं। मिर्ज़ा साहब की तहरीर में मुख्तसर जुमले, मौजू अल्फाज, खुश आहंग लबो लहजा और महावरात का बरमहल इस्तेमाल नज़र आता है। मिर्ज़ा साहब की तहरीर में एक और खसूसियत जो नुमाया तौर पर नज़र आती है, ये मकसदियत है। मिर्ज़ा साहब ने अपनी मिज़ाह निगारी में मकसदियत को शामिल रखा है। आप कहते हैं कि आप गुजरे हुए वाक़यात को भुलाना नहीं चाहते, बल्कि वो गुजरे हुए वाक़यात का तस्करा करते हुए एक मिटती हुई तहजीब के नादिर नमूने हमेशा के लिए महफूज करना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब ने अपने इस मज़मून में भी मिज़ाह के लिबादे में तंज की ऐसी मिसालें पेश की हैं जो उन्हीं का खासा है। इस मज़मून में मिर्ज़ा साहब ने माशरे के मुख्तलिफ रवैयों पर तंज का इजहार किया है, जहां हर फर्द अपनी नाकामी को हंसी के लिबादे में छुपा कर इस पर उह का इजहार कर देता है। बस यही रवैया ही माशरे की तनज़ुली का सबब है। यहाँ हमारे पहले मौजू का इख्तिताम। अब आइए हम अपने दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मौजू उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा नाम, या अगर ये कहा जाए कि उर्दू गज़ल की पहचान है, तो भी गलत ना होगा। आपका नाम मिर्ज़ा गालिब है। गालिब का असल नाम असदुल्ला खान था। आपने गालिब तखल्लुस फरमाया। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को अगर उर्दू गज़ल का संग बुनियाद कहा जाए तो बेजा ना होगा। जिस तरह मुग़लों का नाम रोशन करने के लिए ताजमहल का नाम काफ़ी है, इसी तरह उर्दू गज़ल को हयात जाविदा बख्शने के लिए गालिब का दीवान ही काफ़ी है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उर्दू गज़ल में उस्ताद की सी हैसियत रखते हैं। इब्तिदा में आपने भी फारसी शायरी के ज़ेर असर मुश्किल ज़बान का सहारा लिया, मगर अपने दोस्तों की
सलाह पर आपने सादा जबान इख्तियार की। आपने उर्दू जबान में फारसी शायरी के रंग को अपनाया और यही इंफरादियत गालिब को तमाम शोरा में मुमताज़ रखती है। मिर्ज़ा गालिब को इंसान का शायर कहा जाता है। आप जदीद सहन के शायर थे। मिर्ज़ा गालिब का मुशाहिदा बहुत तेज और गहरा था। आपके दीवान में साइंसी फिक्र के अशआर भी नज़र आते हैं। इसके अलावा गालिब को अपनी अहमियत का भी अंदाज़ा था। मिर्ज़ा गालिब खुदपरस्त शायर तो न थे, मगर अपनी इज्जत नफ्स को खासी अहमियत देते थे। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब में वो पहले शायर हैं जिनको उनकी अना खासी महबूब थी। मिर्ज़ा गालिब दरबार के शायर भी रह चुके हैं। इसी मुनासबत से उनका शेर है कि हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मिर्ज़ा गालिब अपनी अहमियत से वाकिफ थे, इसीलिए फरमाते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मिर्ज़ा गालिब के अशआर इंसान को गहरी फिक्र अता करते हैं। गालिब जदीद दौर के शायर और कदीम दौर का सरमाया है। गालिब हर अहद और हर दौर में मकबूल शायर रहे हैं। गालिब की शायरी और इसकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 200 साल गुजरने के बावजूद भी इनकी शायरी आज भी ताज़ा और नई मालूम होती है। कलाम गालिब को उर्दू अदब में खासी अहमियत दी जाती है। गालिब के मुतालिक गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम अपनी जमात में पेश कर सकेंगे। यहाँ हमारे दोनों मौजूआत का इख्तिताम होता है। शुक्रिया।